वेलकम टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट। मैं शेफ अनिल, फैकल्टी ऑफ स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट, लेकर आया हूँ आपके लिए ओरिएंटल सीरीज़ का खजाना। जी हाँ, उन्हीं में से एक और रेसिपी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऑथेंटिक वे में। अगर आपने इसका नाम सुना है तो ज़रूर आपने इसको इंजॉय किया होगा और देखा भी होगा कि किस तरह से ये रेसिपी बनती है। मैं बात कर रहा हूँ चाउ चाउ, एक ऐसी रेसिपी जो कि बैंक्वेट किचन का या फिर सेंट्रल किचन का या किसी भी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप चाइनीज़ या फिर ओरिएंटल फूड लवर हैं तो आपने ज़रूर ये डिश के बारे में सुना होगा और कंज्यूम भी की होगी। मैं आज आपको ऑथेंटिक वे में बना के दिखाऊंगा चाउ चाउ कैसे बनाया जाता है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी, वेजिटेबल्स के साथ में बनेगी ये रेसिपी और इसमें ना ही कोई डीप फ्राइड फूड और ना ही किसी भी तरीके के कोई फैटी कंटेंट्स होते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और आप इसको स्टीम राइस या फिर फ्राइड राइस के साथ में कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है, इजी वे में बन जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको ऑथेंटिक वे में बनाना चाहिए जो लोग प्रोफेशनल कुकिंग लर्न करना चाहते हैं या फिर कमर्शियल वे में कुकिंग करना चाहते हैं। चाउ चाउ किसी भी मेनू का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और कहीं पे भी जब चाइनीज़ मेनू को प्लान किया जाता है तो ग्रेवी फूड में चाउ चाउ को जरूर क्लब किया जाता है। ये रेसिपी आपको सीखनी भी चाहिए और बनानी भी आनी चाहिए। तो जो भी टेक्निकल पॉइंट्स मैं फॉलो करूँगा वही आपको मेरे साथ फॉलो करते हुए इसको बनाना है ताकि आपके फूड को प्रोफेशनल टच मिल पाए। मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि चाइनीज़ फूड या फिर ओरिएंटल फूड अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपकी कटिंग, चॉपिंग, स्लाइसिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए और कुकिंग की टाइमिंग होनी चाहिए। ओरिएंटल या फिर चाइनीज फूड बनाने के लिए गैस पर ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मेन प्रिपरेशंस में टाइम जाता है और उन्हीं प्रिपरेशन को प्रॉपर वे में करके आप आपके फूड को एक प्रोफेशनल टच दे सकते हो। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूं चाउ चाउ। सबसे पहले मैं वेजिटेबल को फ्लावर शेप में कट करूंगा और उसके बाद में किस तरह से उसको सौते करके स्टॉक के साथ में या फिर आप वाटर के साथ में भी उसको बना सकते हो। ये ग्रेवी फूड है, वेजिटेबल के साथ में बनेगा। अगर आप और कोई कंटेंट, अगर आप कोई और वेजिटेबल्स या फिर कोई और इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करना चाहते हो, मैं लिमिटेड वेजिटेबल्स ऐड करूंगा, बट आपकी चॉइस है कि आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेजिटेबल को कट करना। आप देख लीजिए किस तरह से वेजिटेबल को कट करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कैबेज से। कैबेज को मैं क्यूब्स में या फिर मैं डायमंड शेप में कट कर रहा हूँ। कैरेट को मैं फ्लावर शेप में कट करूंगा। फ्लावर शेप के लिए मैं इसमें थोड़ी थोड़ी लाइनिंग मार देता हूँ ताकि देखने में अच्छी लगे। फूड का अपीयरेंस उसकी कटिंग चॉपिंग से ही आता है। ये देखिए मैंने तीन कट यहाँ पे मारे हैं और अब मैं इसमें से निकालूंगा फ्लावर शेप की कटिंग। और अब मैं ले लूंगा कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी मैं क्यूब्स में या क्रॉस में डायमंड शेप में कट कर देता हूँ। तो ये मैंने क्रॉस में कट कर लिया कैप्सिकम। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कॉटेज चीज़, पनीर। पनीर भी आप ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो मशरूम ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो बेबी कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसमें बैम्बू शूट भी ऐड होता है, वो आपकी चॉइस है कि अगर आप चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं कॉटेज चीज़ ऐड कर रहा हूँ। कॉटेज चीज़ को भी मैं क्रॉस में कट कर लूँगा। तो ये हो गया मेरा कॉटेज चीज़ कट। और अब मैं ले रहा हूँ अनियन। अनियन को भी मैंने क्रॉस में कट कर लिया। जितने भी वेजिटेबल के जो पीसेस हैं ना वो इंडिविजुअल बड़े बड़े साइज के होने चाहिए, क्यूब्स हो, डायमंड हो या फिर अगर आप डाइस कटिंग में भी ले रहे हो सो दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। वेजिटेबल्स के चॉइस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसमें मशरूम ऐड करना चाहते हैं, बेबी कॉर्न ऐड करना चाहते हैं, कोई भी एग्जॉटिक वेजिटेबल, ब्रोकली या जुकनी ऐड करना चाहते हैं, वो आपके फूड को एक अलग एग्जॉटिक वे देगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको रेगुलर वेजिटेबल जो आपके पास ईजी अवेलेबल हो जैसे कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट के साथ में भी आप इसको बना सकते हैं। बनाते समय आपको उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें पानी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई इस तरीके का कंटेंट ऐड करना होगा जो उसके फ्लेवर को इन्हांस करे, जैसे कि एरोमेट पाउडर या फिर मैगी क्यूब्स। अगर आपके पास में वेजिटेबल स्टॉक है तो आप इसको वेजिटेबल स्टॉक के साथ भी बना सकते हैं, उसके अलावा आपको कोई अदर इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही माइल्ड कैटेगरी का फूड होता है, इसमें ना ही कोई किसी भी तरीके के स्पाइसी सॉसेस या फिर स्पाइसी सीजनिंग ऐड होती है। तो बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ में मैं इसको बना के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल चाउ चाउ। सबसे पहले मैं गैस ऑन करूंगा और उसके बाद वॉक में ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद में मैं इसमें ऐड करूंगा जिंजर, गार्लिक, चिली स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूं गार्लिक, नेक्स्ट मैं ऐड कर रहा हूं इसमें जिंजर,
नेक्स्ट मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें ग्रीन चिली। ग्रीन चिली बहुत ही कम अमाउंट में ऐड करना है क्योंकि ये फूड स्पाइसी नहीं होता है, इसलिए आप स्पाइस लेवल को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे। और अब मैं करूँगा इसको सौते, बहुत ही स्लाइटली सौते कर रहे हैं, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और जैसे ही ये सौते हो जाए इसमें मैं ऐड करूँगा अनियन एंड अदर वेजिटेबल जो मैंने कट करके रखी है पनीर के साथ। तो ये आ गई मेरी सारी के सारी वेजिटेबल कॉटेज चीज़ के साथ। अब मैं इसको करूँगा स्टिर फ्राई, टॉस करेंगे। चाइनीज़ फूड बनाते समय हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी यूटेंसिल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो हैवी बॉटम नहीं होना चाहिए। थिन बॉटम और हाई प्रेशर गैस पे हमेशा चाइनीज़ फूड या फिर ओरिएंटल फूड की प्रिपरेशन होती है, जिससे कि वो टेस्ट और वो फ्लेवर डेवलप होता है। तो यूटेंसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको याद रखना है कि हाई प्रेशर एंड थिन बॉटम यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं। जैसे ही ये सौते हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद मैं ऐड करूँगा इसमें स्टॉक वाटर या फिर आप रेगुलर वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेगुलर वाटर ऐड कर रहा हूँ। क्वांटिटी जितना आपको वेजिटेबल लिया है आपने उतना उससे डबल आपको पानी ऐड करना है इसमें। और अब हम करेंगे इसकी सीजनिंग। सीजनिंग बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट के साथ। सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें एरोमेट पाउडर, उसके बाद मैं ऐड करूँगा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, नेक्स्ट मैं ऐड करूँगा इसमें सॉल्ट, थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा इसमें ग्रीन चिली सॉस, और अब करेंगे इसको मिक्स। इसमें किसी भी तरीके का सिजवान सॉस, रेड चिली सॉस आप स्किप कर सकते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं उसको, क्योंकि इसको मुझे माइल्ड रखना है। एकदम ऑथेंटिक वे में बनाने के लिए इसका जो स्पाइस लेवल होता है वो माइल्ड टू मीडियम होता है, तो वही मैं बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको एक ऑथेंटिक रेसिपी मिल पाए। चलिए तब तक ये कुक हो रहा है, और कुक होने के साथ साथ मैं रेडी कर लूँगा इसको थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर की स्लरी, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी को मुझे ग्रेवी फॉर्म में रखना है, और ग्रेवी फॉर्म में लाने के लिए मुझे चाहिए होगी कॉर्नफ्लावर की स्लरी। तो चलिए मैं बना रहा हूँ कॉर्नफ्लावर की स्लरी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, और इसको मैं ऐड करूँगा पानी के साथ। और यहाँ पर हमारी वेजिटेबल में आ गया है बॉयल। जब कभी भी आपको किसी भी ग्रेवी फूड में कॉर्न स्टार्च ऐड करना हो, उसे ग्रेवी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो वेट करना है आपको वेजिटेबल के बॉयल होने का, क्योंकि जब वेजिटेबल बॉयल होंगी तभी हम इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। चलिए वेजिटेबल हमारी बॉयल हो गई है, अब मैं इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड कर रहा हूँ। जो कंसिस्टेंसी हमें प्रॉपर चाहिए थी वो कंसिस्टेंसी आ गई है, और हमेशा कॉर्न स्टार्च ऐड करने के बाद में आपको फूड को कुक नहीं करना है, गैस को कर देना है स्विच ऑफ, और उसको गरम गरम सर्व कर देना है आपके सर्विंग बाउल में। गर्मा गर्म चाव चाव रेडी है, और अब मैं करूंगा इसकी प्लेटिंग। किसी भी सर्विंग बाउल में या फिर किसी भी प्लेटर में आप इसको ऐड करके ऊपर से टॉप अप कर सकते हैं स्प्रिंग अनियन के साथ में। स्प्रिंग अनियन एक एग्जॉटिक टच देगा आपके इस फूड को। तो चलिए मैं कर रहा हूँ इसको रेडी। ये मैंने ऐड कर दिया है इसमें चाव चाव, और अब मैं इसको टॉप अप करूंगा स्प्रिंग अनियन के साथ। और ये बन के तैयार हो गया है एकदम ऑथेंटिक वे में वेजिटेबल चाव चाव। आप इसको स्टीम राइस के साथ में या फिर फ्राइड राइस के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। ये एक अपने आप में कंप्लीट मील है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी है और हेल्दी भी है। होप ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो किया हो या आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैक्सिमम लेवल पर इसको शेयर कीजिए। क्या आप जानते हो कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी है जो 250 प्लस कंट्रीज में वैलिड है। नहीं सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बहुत इजीली हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हो, एंड 15,000 के वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड लर्न फ्रॉम गुजरात नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट।